Hello everyone. So welcome back once again. Hope you all are keeping fine and doing great. All right. So today we will be beginning with a new chapter, that is globe, latitude and longitudes. I hope that आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा दैट इज चैप्टर नंबर वन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यू हैव लिसन्ड द कंप्लीट लेक्चर वेरी केयरफुली ओके एंड आपने सोलर सिस्टम पूरा अच्छे से समझ लिया होगा एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू चैप्टर. आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं आपका जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. Okay. All right. So let's begin with the chapter. I hope that you all are having your books with you because we'll be covering the lines from the books as well. And I'll be showing you the notes as I showed you in the previous lecture also, जहाँ पर मैंने आपको points बिल्कुल compile करके दिए थे. That is very easy. I think आपको बहुत comfortable you know feel हो रहा होगा because all the terms and terminologies are at one point. आपको बार बार book को read करने की जरूरत नहीं है. You need not to read the book again and again. You can cover everything from the notes that I have shown you. प्लीज डू कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स इन योर बुक्स. आप अपनी कॉपीज में नोटबुक्स में इनको लिखते रहिए सो दैट आपको ये याद हो सके. ओके सो वी बिगिन विद द चैप्टर दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. हैव यू एवर सीन अ ग्लोब? क्या आपने कभी ग्लोब देखा है? ये देखिए, ये रहा आपके सामने. ग्लोब इज वॉट? It is just the miniature of the earth that we have with us, है ना? जिससे हम हमारी studies करते हैं, earth surface की study करते हैं, so that is the globe. अगर आपने कभी note करा हो कि globe कैसा होता है, आपने कभी सामने से देखा हो, if you ever have seen the globe, तो it is like आपको वो पूरा earth at one time देखने को मिलता है, ठीक है? Okay. So you can see here the picture of the globe. See, globe कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है basically, ठीक है? इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी अर्थ है उस पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेंगी. जितनी भी कंट्रीज हैं यू कैन चेक आउट ओवर हियर. आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे सो यू कैन वेरी वेल फोकस ऑन दिस यू नो डायग्राम ऑफ ग्लोब दैट आपको यहाँ पर कंट्रीज दिखाई दे रही होंगी. यू कैन सी द कंट्रीज एज वेल. आई जस्ट शो इट यू. सी, can you see the countries? ये पूरा आपका globe है. देखिए, here is your India. That's why मैंने इसको इतना zoom करा है. So आप देख सकते हैं कि globes बहुत easily available होते हैं, बहुत छोटे size के भी आते हैं, बहुत बड़े sizes में भी आते हैं. And you can have it for your study purpose. आप इसमें से countries देखें, कौन कौन सी countries हैं, पूरी earth surface कैसी दिखाई देती है. So you can see हमने first chapter में पढ़ा था earth को हम blue planet भी बोलते हैं because ये आपको blue color की दिखती है. Because of the presence of the water, ठीक है? तो आप इस ग्लोब को देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको ब्लू प्लैनेट बोल रहे हैं. Why are we calling it as the blue planet? See all the countries you can see here. You have Russia, you have Europe, ठीक है? फिर आप यहाँ देखिए China, India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi Arabia. You can see all the countries on the globe, ठीक है? सो अर्थ जब हम स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, तो हमें मैप बहुत जरूरी होता है सामने रखना. बिकॉज व्हेन मैप इज इन फ्रंट ऑफ यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज योर ग्लोब. आपका ग्लोब कुछ ऐसा दिखाई देता है. ऑल राइट, ओके. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर. अगर आपको याद हो तो हमने आपके लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ के आए हैं कि आपका जो अर्थ है उसका शेप कैसा होता है. द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड. कैसा शेप होता है अर्थ का? जियोइड शेप होता है. इट इज हाई, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल. ये भी हमने करा था कि आपका जो अर्थ सरफेस होता है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होता है
और सेंटर में से यहाँ से बल्ज आउट होता है. कैन यू सी दिस बल्ज? ठीक है, थोड़ा सा आप देखो, ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट सा अपीयर होता है और यहाँ से ये सेंटर में से इसके जो मिड वाला रीजन है यहाँ से ये बल्ज आउट होता है, थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ है. ठीक है, सो हम ये पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में आपके कवर करके आए हैं, दैट द अर्थ शेप इज नॉट स्फीयर रादर जियोइड. अर्थ का शेप कैसा होता है? जियोइड होता है. ठीक है, ऑल राइट. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो अर्थ को हम एक साथ पूरा स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए क्या करा गया, एक ग्लोब बनाया गया. ठीक है, और वो जो ग्लोब है वो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है आपके अर्थ को. जैसी आपकी अर्थ दिखती है वैसा का वैसा आपको ग्लोब दिखाई देता है. ठीक है, आपको भी डायग्राम दिखाया है ग्लोब का, सो यू कैन जस्ट इमेजिन, आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी अर्थ को आप एक साथ देख पा रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ जो कि बनाया गया है, एंड इट इज ग्लोब. ग्लोब्स मे बी अ वेराइंग साइज एंड टाइप. आप देखते हैं ग्लोब्स आपको बहुत सारे साइज अलग अलग साइजेस में अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल होता है. प्लास्टिक ग्लोब्स भी आते हैं, स्टील के ग्लोब्स भी आते हैं. ठीक है, ऑल्सो साइज भी वैरी करता है. आप देखेंगे बहुत पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली ग्लोब भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं एंड जो कि आप इजिली कैरी कर सकते हो. बहुत बड़े साइज के ग्लोब्स भी आएंगे जो आप टेबल्स पे रखते हैं, स्कूल्स में आपको मिलते हैं. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज. तो अलग अलग साइज अलग अलग टाइप के उनका मटेरियल डिफर करता है. जिससे भी ये बनाया जाता है ग्लोब, जिससे भी बनाया जाता है वो मटेरियल डिफर कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है. बट इट इज लाइक आप अगर अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं एक साथ, सारी कंट्रीज आप देखना चाहते हैं, ठीक है, सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. आप कहीं भी ग्लोब को कैरी कर सकते हैं, हेयर एंड देयर यू कैन कैरी द ग्लोब वेरी इजीली. पॉकेट फ्रेंडली ग्लोब्स भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्लोब्स आते हैं और उनको आप पॉकेट्स में रख सकते हैं. यू कैन ट्रेवल एंड कैरी देम. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. तो अगर आप इस ग्लोब को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक देखिए ये इसमें लगा हुआ है अटैच. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लोब होता है मूवेबल होता है, स्पिन कर सकता है, आप इसको घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमाइए और आपको जो कंट्री देखनी है आप इजीली देख सकते हैं. तो उसको मूवेबल इसलिए रखा है बिकॉज आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है वो मूविंग है, पूरे टाइम रोटेट करती है, राइट, इसलिए ये मूवेबल होता है. एंड इट कैन स्पिन, आप देखिए ये स्पिन करता है, इसकी ये एक एक्सेस होती है, आपकी अर्थ की एक्सेस होती है, उस एक्सेस पर आप देखते हैं कि आपकी अर्थ मूव करती है. तो इन द सिमिलर मैनर आप देखेंगे ग्लोब के अंदर भी आप ऐसे एक यहाँ पर लाइन देख रहे हैं और इन लाइंस के रेफरेंस के अंदर एक ग्लोब जो है वो इजिली मूव कर सकता है. तो ग्लोब जो होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है, वो मूव कर सकता है. जस्ट लाइक आप देखें कि एक पॉटर अपना व्हील रोटेट करता है. हैव यू एवर सीन द पॉटर्स रोटेटिंग देयर व्हील्स? पॉटर्स बेसिकली जो पॉट बनाते हैं उनका जो व्हील होता है ना वो रोटेट करता रहता है. अगर आपने कभी नोटिस करा हो पॉटर का व्हील, तो जो पॉटर का व्हील होता है दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑलवेज, वो मूव करता रहता है. आई जस्ट शो यू, जस्ट लाइक द पॉटर्स व्हील कीप्स ऑन रोटेटिंग. जैसे पॉटर का व्हील आप देखते हैं कि रोटेट करता रहता है, उसी तरीके से ये जो ग्लोब है ये भी रोटेट करता है. सी दिस, यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पॉटर्स का व्हील होता है और यहाँ पर आप देखें कि इसका व्हील जो है पूरे टाइम मूव करता है, तभी ये पॉट बनता है ना. तो इन द सिमिलर मैनर आप देखते हैं कि जो आपका ग्लोब है वो भी पूरे टाइम मूव करता रहता है. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यू विल सी दैट द ग्लोब कीप्स ऑन मूविंग. उसी तरीके से आप देखते हैं कि जो आपका ग्लोब है वो मूव करता है. ऑल राइट, ओके. ऑन द ग्लोब कंट्रीज
कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज, जो एग्जैक्ट साइज होता है उसी एग्जैक्ट साइज में आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर सारी कंट्रीज दिखाई देती हैं, यहाँ पर आपको सारे वाटर बॉडीज, ओशंस, सब कुछ दिखाई देगा. इट इज कंप्लीट अर्थ, पूरा का पूरा ये आप कह सकते हैं कि अर्थ है. ठीक है, सी इजी सा ही टॉपिक है, बहुत आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने स्टार्ट करा है ग्लोब के बारे में स्टडी करना, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो ग्लोब होता है वो आपका एक ट्रू मॉडल होता है, मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का. जैसी आपकी अर्थ दिखाई देती है वैसा का वैसा ग्लोब दिखाई देता है, उसको बिल्कुल वैसा बनाया जाता है. लेकिन जो ग्लोब है उसके साइज में डिफरेंस हो सकता है, उसके मटीरियल, जिस मटीरियल से वो बनाया जा रहा है वो डिफर कर सकता है. कई बार आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बहुत छोटे ग्लोब्स भी मिलते हैं. ठीक है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड नहीं होता है, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ वाटर्स व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब. कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज. तो करेक्ट साइज में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कंट्रीज, ओशंस, ये सब आपको ग्लोब पर दिखाई देता है. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अगर अब आपको मान लीजिए पूरी अर्थ पर कोई प्लेस आइडेंटिफाई करनी हो, तो आप वो प्लेस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कंट्री कहाँ लोकेटेड है पूरी अर्थ सरफेस पर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. दैट मीन्स हमारी कंट्री को अगर हमें फाइंड करना है, तो हमारी कंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे. ठीक है, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझें. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जहां रहते हैं, ठीक है, आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है. ओके, नाउ द गेस्ट डजंट नो एड्रेस ऑफ योर हाउस. उन गेस्ट को आपके घर का एड्रेस नहीं पता. अब आपको आपके घर का एड्रेस उन्हें बताना है. सो हाउ विल यू टेल योर एड्रेस? आप कैसे आपके घर का एड्रेस बताएंगे जिससे कि गेस्ट को आपका घर मिल जाए? सो व्हाट यू विल डू, आपके आसपास में जो भी लोकेशन होगी या जहां भी आप रहते हैं उस जगह का नाम बताएंगे, उस कॉलोनी का नाम बताएंगे. फिर अगर उस कॉलोनी में कोई शॉप है, कोई मॉल है वहां पर, या कोई वेजिटेबल सेलर है, कोई यू में से कोई यू नो सैलॉन है, एनीथिंग, कोई मार्केट है आपके आसपास में, मेडिकल शॉप है, सो यू विल टेल देम कि हमारा जो घर है, हाउस नंबर ये है और हम इस कॉलोनी में रहते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग इन आमेर कॉलोनी. हम आमेर कॉलोनी में रहते हैं, हमारे घर का जो हाउस नंबर है वो है 20/90. ठीक है, 20/90 हमारा हाउस नंबर है, आमेर कॉलोनी में हम रहते हैं. और हमारे घर के आसपास में बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारा मार्केट है, वेजिटेबल सेलर्स हैं, यहाँ पर आपको सैलॉन भी मिलेगा, मेडिकल शॉप भी है, बस उसी के पास में आपका घर है. ठीक है, तो ऐसे आप अपने गेस्ट को बता रहे हैं, सो दैट द गेस्ट इज एबल टू रीच एट योर प्लेस इन द सिमिलर मैनर. इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि हम हमारी कंट्री की लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करेंगे. नॉट ओनली आर कंट्री, हमें अगर किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करना है, से नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, यूएसए कहाँ है, साउथ अमेरिका किधर है, अफ्रीका किधर है, यूरोप में आपका जर्मनी है, फ्रांस है, वो कहाँ है. सो हमें जब इन सभी कंट्रीज की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होती है, तो इनकी हम लोकेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो फॉर दैट मैटर कुछ लाइंस ऑफ रेफरेंस बनाई गई हैं. ठीक है, कुछ हमने अज्यूम करी गई हैं लाइंस. सो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. सो इन प्लेसेस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के कुछ हमने लाइंस डिसाइड करी हैं. ठीक है, अब वो लाइंस कौन सी हैं वो हम आगे पढ़ते हैं. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस. क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है. अगर आप यहाँ देखते हैं ग्लोब पर, तो ये देखिए यहाँ पर एक नीडल फिक्स करी गई है. कैन यू सी द नीडल ओवर हियर? सो ये बोला जाता है एक्सिस, क्योंकि आपकी अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी लाइन होती है. This is called as the axis. क्या बोलते हैं इसको? Axis बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में भी यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर नीडल फिक्स्ड है, यहाँ पर भी एक नीडल फिक्स है, और ये दोनों जो है नीडल्स अंदर से कनेक्टेड है एक दूसरे से, द नीडल्स आर एक्चुअली कनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड, सो दैट ये जो आपका ग्लोब है ये मूव कर सके. और ये क्या कहलाता है, ये एक्सिस कहलाता है. वॉट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस. ठीक है, ऑल राइट. सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी कि एक्सिस किसे बोला जाता है, आपके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है. ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, और ये जो है ये आपकी एक्सिस होती है अर्थ. ग्लोब पर तो नीडल्स होंगी, लेकिन जो अर्थ सरफेस है एग्जैक्टली उस अर्थ सरफेस पर ऐसी कुछ भी लाइन्स नहीं होती है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये हमने बनाई है, ज्योग्राफर्स ने बनाई है, सो दैट स्टडीज इजिली करी जा सके, अर्थ को हम अच्छे से समझ सके. अदरवाइज एज सच कोई रियली अर्थ पर कोई लाइन नहीं है. आपने प्लैनेट्स देखे थे, डायग्राम देखा था सोलर सिस्टम का, क्या अर्थ पर आपको ऐसी कोई लाइन दिखी थी? नो. ये सिर्फ लाइन्स ऑफ रेफरेंस है जो ह्यूमंस ने बनाई है सो दैट स्टडीज इजी हो सके. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर द टू पोल्स. तो जिन दो पॉइंट से आपकी नीडल पास होती है, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं इस ग्लोब में, ये जो दो पॉइंट्स हैं जहां से आपकी नीडल पास हो रही है, इसको बोला जाता है पोल्स. क्या बोला जाता है? पोल्स. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज पोल. और दो पोल कौन से हैं? एक है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल. ठीक है, दो पोल्स होते हैं. कौन कौन से दो पोल होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल. जहां से भी आप ये देखते हैं कि आपकी नीडल आ रही है, एक्सिस आपकी टिल्टेड है, अर्थ आपकी टिल्टेड होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द पोल. इसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है. और दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और इस ग्लोब को आप इस नीडल के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. आपको पता है हमारे फोर डायरेक्शंस होते हैं, राइट? वी हैव नॉर्थ, वी हैव साउथ, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट. फोर डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो जो आपकी अर्थ होती है वो कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कैसे मूव करेगी? द अर्थ एक्चुअली मूव्स वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी. तो इन द सिमिलर मैनर जैसे आपकी अर्थ मूव करती है, उसी तरीके से आपका ग्लोब भी मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन. जैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, ठीक है, ये आपका दिस इज योर वेस्ट और ये मेरा ईस्ट हुआ. सो आपकी अगर अर्थ ऐसे मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, सो इन द सिमिलर मैनर आप देखेंगे कि आपका ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. इसको बनाया ही ऐसे जाता है जिससे कि ये एग्जैक्टली अर्थ जैसा लगे. बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. लेकिन जिस तरीके की आपको यहाँ ग्लोब पर नीडल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये एज सच अर्थ पर कुछ भी नहीं है. ओके, ये एवरीथिंग इज इमेजिनरी, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट एंड दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. तो आपका देखो ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन जाती है उसे बोला जाता है इक्वेटर. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा का पूरा ग्लोब है. ओके, एंड इस यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए. सो इस ग्लोब के जो भी लाइन बिल्कुल सेंटर में से निकलती है, इस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर. व्हाट डू यू कॉल इट? इक्वेटर. इक्वेटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये आपके ग्लोब को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल बराबर से डिवाइड कर देती है. ठीक है, तो ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन हुई, ये सेंटर वाली लाइन को क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है, जो कि आपकी ग्लोब को पूरे के पूरे जो आपका ग्लोब है उसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है. ठीक है, एक जो आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है ये आपका नॉर्दर्न नॉर्थ साइड हो जाता है, और ये वाला जो होता है ये आपका साउथ साइड होता है. ठीक है, तो ये आपके ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा. इक्वेटर जो होता है वो आपके ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देता है. ठीक है,
दिस इज क्लियर टू यू? देखो ये पूरा का पूरा आपका ग्लोब है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई जिसको बोला गया इक्वेटर, और ये जो इक्वेटर है ये आपकी अर्थ सरफेस को बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इक्वेटर की लाइन है और ये आपके ग्लोब को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया और एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, क्लियर? द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कि ये जो आपका पूरा का पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब में जो बिल्कुल सेंटर से लाइन निकलती है उस सेंटर वाली लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है बिकॉज वो ग्लोब को या अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक आपका कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको बोला जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा उसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इस डायग्राम को आप यहाँ देखें और समझ सकते हैं। सी यहाँ से ही आपकी इक्वेटर जो है वो आपकी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा इसको बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ लिखा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज नदर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ वाला पूरा पोर्शन होगा आपका, इट विल बी कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, तो कंप्लीटली आप देखते हैं कि जो इक्वेटर है वो आपके ग्लोब को बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और कंप्लीट इक्वल पार्ट में ये डिविजन होता है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लियर? देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्क्यूलर लाइन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो जो आपका इक्वेटर है यहाँ पर देखो, ये इक्वेटर जो है एक सर्क्यूलर लाइन होता है बिकॉज ये आपका पूरा सर्कल की फॉर्म में होता है, सो एक सर्क्यूलर लाइन होती है, ठीक है, जो कि आपके अर्थ को या ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन होती है जो कि आप यूज करते हैं अर्थ सरफेस पर प्लेसेस को लोकेट करने में, बिकॉज आपका जो पूरा अर्थ सरफेस है उस पे जो भी आपको कंट्री फाइंड आउट करनी है, फॉर दैट मैटर आप इन इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप अपने आसपास के नेबरहुड के बारे में बताते हैं कि हमारे पास में शॉप है, मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं मॉल्स हैं, सो जिस तरीके से आप ये रेफरेंस यूज करते हैं अपने घर का एड्रेस बताने के लिए कि हम इस कॉलोनी में रहते हैं, हमारे आसपास में ये शॉप्स हैं, सेम उसी तरीके से हम अर्थ के लिए भी कोई रेफरेंस लेते हैं और अर्थ पे जो प्लेस है उसको लोकेट करते हैं। तो वो रेफरेंस क्या है? दैट इज द लाइन्स। वो क्या है? लाइन्स की फॉर्म में रेफरेंस है, ठीक है। आपके घर के आसपास जो शॉप्स हो सकती हैं, मॉल्स हो सकता है, लेकिन जब हम एक पूरे अर्थ की बात करते हैं एज अ होल, तो हमें जब उस अर्थ पर कोई प्लेस लोकेट करनी होती है तो हम इन रेफरेंस लाइन्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स दे फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। सो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देखो लैटिट्यूड्स वो सारे आप देखो यहाँ पर जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखती हैं, या इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। इनको पैरेलल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के बराबर चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल मतलब बिल्कुल दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल सेम पोजीशन में हैं, सो इसलिए इनको बोला जाता है पैरेलल्स। दूसरी बात, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, असली में ऐसी लाइन कुछ भी नहीं है अर्थ पर, नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है जो ह्यूमन ने बनाया है सो दैट स्टडीज इजी हो सके, ओके। तो ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई अर्थ पर, कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला गया लैटिट्यूड्स। क्या बोला गया? लैटिट्यूड बोला गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और इन सारी की सारी लाइंस को आप देखो ये क्या बोला गया, इनको लैटिट्यूड बोला गया, ठीक है। सो अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लैटिट्यूड कवर करा था, एंड दैट वॉज इक्वेटर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इक्वेटर कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से निकल रही है, सो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लैटिट्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी. कैन यू सी द हॉरिजॉन्टल लाइन्स? तो ये जितनी भी आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिख रही हैं, ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं. ठीक है, अब इतने सारे लैटिट्यूड तो होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट कौन सा है अभी सबसे यहाँ पर? इक्वेटर. इक्वेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड. क्यों? क्योंकि ये आपकी अर्थ को बिल्कुल सेंटर में से दो पार्ट में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. ठीक है, ऑल राइट. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो जो आपका इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको डिग्रीज में मार्क करा जाता है, डिग्री की फॉर्म में उनको मार्क करते हैं. और जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर बोलते हैं. या फिर आप कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है, जो आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करती है, तो उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 0 डिग्री. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री. दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. अब ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? यहाँ पर देखो, ये लाइन ये बोलना चाह रही है दैट आपके सेंटर में से, आप देखते हैं कि बिल्कुल आपके सेंटर में से इक्वेटर निकलता है, और आपका जो इक्वेटर है वो आपके अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक आपका नॉर्थ एक आपका साउथ. तो जो नदर्न हेमिस्फेयर है और सदर्न हेमिस्फेयर है, दोनों में कितने कितने लैटिट्यूड होते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको यहाँ पर 90 लैटिट्यूड मिलते हैं. वहीं अगर आप इक्वेटर के नीचे देखोगे सदर्न हेमिस्फेयर में, तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी टोटल आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं. ठीक है, यू विल फाइंड द 90 90 लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर. वापस पढ़ो लाइन क्या कह रही है. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स अ 0 डिग्री लैटिट्यूड. जो आपका इक्वेटर की लाइन है वो 0 डिग्री की लाइन है, वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स, दैट मीन्स कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो आपका नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है, राइट, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. ओके, 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ. अब देखो, जो पूरा आपका एक सर्कल होता है, ठीक है, द कंप्लीट सर्कल, जो आपका एक पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है. कितनी डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का होता है. और ये लाइन क्या बोल रही है? दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल. ईदर ऑफ द पोल दैट मीन्स अगर ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर से चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ, चाहे आप साउथ पोल की तरफ चले जाओ, द डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. द डिस्टेंस इज वॉट? इट इज 1/4 ऑफ द सर्कल. तो सर्किल के में टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री होती है. तो अगर आप यहाँ ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा दैट 90 कितना आ जाएगा. 90 आ जाएगा बिकॉज 4 9 36, सो इट विल बी 90 डिग्रीज, राइट. सो नदर्न हेमिस्फीयर जो है आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देखोगे आपको 90 लैटिट्यूड मिलते हैं. सेम आप देखते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे. 90 90 लाइंस बनाई गई हैं दोनों हेमिस्फीयर के अंदर. दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नदर्न पोल. देयरफॉर आप ये देखते हैं कि नॉर्थ में आपके यहाँ पर नदर्न पोल्स आ जाएंगे और साउथ में आपके यहाँ पर सदर्न पोल्स आते हैं. इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सी, इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में से निकलता है, दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देता है अर्थ को. ऊपर वाला हिस्सा आपका कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, दोनों ही हेमिस्फीयर में आपको 90 90 लैटिट्यूड मिलते हैं. यानी कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 90 डिग्री, यहाँ लिखा है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ. तो दैट मीन्स यहाँ पर जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कितने लैटिट्यूड मिलेंगे? 90 लैटिट्यूड मिलते हैं. वहीं अगर आप इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको टोटल कितने लैटिट्यूड्स मिलेंगे? 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर लैटिट्यूड.
As such, all the parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all the parallels which are south of the equator are called as south latitude. So, equator ke jitne bhi lines north mein aati hain, unko aap bolenge north latitude. And jitni bhi lines south mein aayengi, unko bolte hain hum south latitude. ठीक है? That means कि अगर आपका अर्थ है तो अर्थ के ऊपर वाले क्या हो गए नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे वाले क्या हो गए साउथ लैटिट्यूड और ये सेंटर में आपका कौन सा लाइन हो गया 0 डिग्री इक्वेटर. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. प्लीज ध्यान से सुने, टॉपिक आपके लिए काफी नया है ये. ठीक है? द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. ठीक है? तो हम जब भी लिखेंगे हम या तो नॉर्थ के रेफरेंस में बात करते हैं या हम साउथ के रेफरेंस में बात करते हैं. बिकॉज आप देखेंगे कि जो आपकी अर्थ सरफेस है जब उसको बीच में से आपका इक्वेटर डिवाइड करता है तो वो इक्वेटर उसको बीच में से डिवाइड कर रहा है एज नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ और साउथ जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय एन और एस. तो आपका जो नॉर्थ होता है उसको एन से लिखते हैं, साउथ को एस से लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका दे लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. यानी कि आप देखें कि जो कंट्री है से फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक कंट्री है जो कि यहाँ लोकेटेड है. ठीक है? और सिमिलरली आप देखते हैं कि यही सेम एक और कंट्री है बी नाम की कंट्री जो आपके यहाँ लोकेटेड है. अब आप देखो कि इनका जो लैटिट्यूड है वो सेम है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. ठीक है? लेकिन डिग्रीज कितनी है 30 30. ओके, दैट इज सेम. लेकिन हेमिस्फीयर चेंज हो गया है. एक कंट्री नॉर्थ में है, एक कंट्री साउथ में है. एक कंट्री आपकी जो नॉर्थ में है से फॉर एग्जाम्पल प्लेस ए, तो जो आपकी प्लेस ए है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो नॉर्थ साइड है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड है. ठीक है? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 30 डिग्रीज पर आ रही है. वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेस बी की, तो प्लेस बी आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आती है 30 डिग्रीज साउथ. ठीक है? डिग्रीज दोनों की सेम है, लैटिट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन द थिंग इज कि हेमिस्फीयर चेंज हो गया. एक आपका ऊपर है इक्वेटर के नदन हेमिस्फीयर में और एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है इक्वेटर के नीचे. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. So, वही मैंने आपको बात अभी क्लियर करी. दोनों कंट्री अलग अलग है, लेकिन है ना, दोनों कंट्री अलग अलग है, लैटिट्यूड सेम है 20 degrees है, बट द थिंग इज एक आपके नॉर्थ में है और एक साउथ में है. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं, सी व्हाट इट इज सेइंग, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस. जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं उनका साइज डिक्रीज होता जाता है. आप इस डायग्राम में देखें तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकेंगे कि आपका लैटिट्यूड यहाँ पर देखो कितना ब्रॉड है, फिर आप यहाँ देखो थोड़ा सा कम हो गया, अगेन यू सी ओवर हियर इसका साइज अगेन रिड्यूस हो गया, एंड लास्टली आप देखो बिल्कुल इतना सा आपको दिखाई देगा. सो दिस इज हाउ, जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, तो जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनका साइज कम होता जाता है. ठीक है? द साइज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन जो हमने आज कवर करा है आपका. अभी हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम एक बार पहले रिवाइज करते हैं. आगे मूव करने से पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड ओवर हियर. ठीक है? लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड अभी आपके आगे आएगा. फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सिर्फ और सिर्फ अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द टर्म लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. ठीक है? देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरुआत करी ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? ठीक है, हमने स्टार्ट करा आपका ग्लोब क्या होता है.
ओके, देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं. आई हैव जस्ट रिटन द पॉइंटर्स ओवर हियर. सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. कॉन्सेप्ट क्लियर आपको क्या करना है, दैट जो आपकी अर्थ है वो स्पीयर शेप की नहीं है. ठीक है, जो आपकी अर्थ है वो स्पीयर शेप की नहीं होती है. वो कौन से शेप की होती है? जियोइड. इट इज ऑफ जियोइड शेप. जियोइड शेप की होती है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. ये हम ऑलरेडी करके आए हैं कि आपकी जो अर्थ होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल से बल्ज होती है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे ये फ्लैट होती है, नॉर्थ एंड साउथ. तो यहाँ पर आप देखोगे ये फ्लैट होती है, और इधर साइड में अगर आप देखोगे तो ये बल्ज आउट है. ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है. सो ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म. ठीक है, जैसे छोटे छोटे टॉयज होते हैं ना, तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें लिटिल अर्थ जो है उसे बिल्कुल छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे कि आपकी जर्नी चीज भी हो सके. इट कैन बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप. जो आपका ग्लोब है उसका साइज वेरी कर सकता है, अलग अलग आपको टाइप में मिलता है. आपको पता है एक सेम टॉय अगर आप खरीदने जाओगे, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार लेने जाते हो, तो कार आपको कितनी वेराइटी में मिलती है. यू विल फाइंड एम्पल नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ कार्स. आपको कार प्लास्टिक की भी मिलेगी, स्टील में भी मिल जाएगी. ठीक है, बहुत अच्छी कार भी मिलेगी जिसमें लाइट्स वगैरह भी होंगी. सो इन द सिमिलर मैनर आप ये देखते हैं कि ग्लोब में भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं. कैन नॉट बी कैरीड इजिली. बहुत अगर बड़ा ग्लोब है तो आप उसको इजिली कैरी नहीं कर सकते हैं. ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है. ग्लोब ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. तो ग्लोब पर आप ये देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, ओशंस हैं, वो सब आपको बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देंगे जैसे आपके अर्थ पर होते हैं. टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द मिडल पासिस आर द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. आपने डायग्राम देखा, उस डायग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से एक्सिस है. तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलती है. ठीक है, सो वॉट इज एन एक्सिस, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब. अगर आपको ग्लोब पे कोई भी प्लेस फाइंड आउट करनी है, सो फॉर दैट वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स. अ नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो आपको ग्लोब होता है वो कैसे मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, दैट मीन्स जो आपकी अर्थ है वो कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट. बट रिमेंबर दैट द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. लेकिन असली की जो अर्थ है उसमें एज सच कोई नीडल्स नहीं है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन हमने क्रिएट करी है कि हाँ अर्थ आपकी ऐसी है, उस अर्थ पे हम ऐसे एक लाइन क्रिएट कर देते हैं.